नमस्कार दोस्तों, राम नाम के जाप में कितनी शक्ति है? राम नाम जपने का क्या महत्व है? इसमें कितनी शक्ति है? राम नाम जाप कैसे किया जाता है? इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से और अंत तक जरूर सुनो और सच्चे दिल से कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखो। दोस्तों, एक महात्मा जी रात्रि के समय में श्री राम नाम का जाप करते हुए अपनी मस्ती में चले जा रहे थे। जाप करते हुए वे एक गहन जंगल से गुजर रहे थे। विरक्त होने के कारण वे महात्मा बार बार देशाटन करते रहते थे। वे किसी एक स्थान में अधिक समय नहीं रहते थे। वे ईश्वर नाम प्रेमी थे, इसलिए दिन रात उनके मुख से राम नाम जप चलता रहता था। स्वयं राम नाम का जाप करते तथा औरों को भी उसी मार्ग पर चलाते थे। महात्मा जी गहन जंगल में मार्ग भूल गए थे, पर अपनी मस्ती में चले जा रहे थे कि जहां राम ले चले वहां। दूर अंधेरे के बीच में बहुत सी दीपमालाएं प्रकाशित थीं। महात्मा जी उसी दिशा की ओर चलने लगे। निकट पहुंचते ही देखा कि वटवृक्ष के पास अनेक प्रकार के वाद्यंत्र बज रहे हैं। नाच गान और शराब की महफिल जमी है। कई स्त्री पुरुष साथ में नाचते कूदते हंसते तथा औरों को हंसा रहे हैं। उन्हें महसूस हुआ कि वे मनुष्य नहीं प्रेतात्मा हैं। महात्मा जी को देखकर एक प्रेत ने उनका हाथ पकड़कर कहा, ओ मनुष्य, हमारे राजा तुझे बुलाते हैं, चल। वे मस्तभाव से राजा के पास गए, जो सिंहासन पर बैठा था। वहां राजा के इर्द गिर्द कुछ प्रेत खड़े थे। प्रेतराज ने कहा, तुम इस ओर क्यों आए? हमारी मंडली आज मदमस्त हुई है, इस बात का तुमने विचार नहीं किया? तुम्हें मौत का डर नहीं है? अट्टहास करते हुए महात्मा जी बोले, मौत का डर? और मुझे? राजन, जिसे जीने का मोह हो उसे मौत का डर होता है। हम साधु लोग तो मौत को आनंद का विषय मानते हैं। यह तो देह परिवर्तन है, जो प्रारब्ध कर्म के बिना किसी से हो नहीं सकता। प्रेतराज बोलता है, तुम जानते हो हम कौन हैं? महात्मा जी बोले, मैं अनुमान करता हूँ कि आप प्रेतात्मा हो। प्रेतराज बाला, तुम जानते हो, लोक समाज हमारे नाम से कांपता है। महात्मा जी बोलते हैं, प्रेतराज, मुझे मनुष्य में गिनने की गलती मत करना। हम जिंदा दिखते हुए भी जीने की इच्छा से रहित मृत्युल्य हैं। यदि जिंदा मानो तो भी आप हमें मार नहीं सकते। जीवन मरण कर्माधीन है। मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? महात्मा जी की निर्भयता देखकर प्रेतों के राजा को आश्चर्य हुआ कि प्रेत का नाम सुनते ही मर जाने वाले मनुष्यों में एक इतनी निर्भयता से बात कर रहा है। सचमुच इसे मनुष्य से बात करने में कोई हर्ज नहीं। प्रेतराज बोला, पूछो, क्या प्रश्न है? महात्मा जी बोले, प्रेतराज, आज यहाँ आनंदोत्सव क्यों मनाया जा रहा है? प्रेतराज बोला, मेरी इकलौती कन्या योग्य पति न मिलने के कारण अब तक कुवारी है, लेकिन अब योग्य जमाई मिलने की संभावना है। कल उसकी शादी है, इसलिए यह उत्सव मनाया जा रहा है। महात्मा जी हंसते हुए बोले, तुम्हारा जमाई कहाँ है? मैं उसे देखना चाहता हूँ। प्रेतराज बोला, जीने की इच्छा के मोह के त्याग करने वाले महात्मा, अभी तो वह हमारे पद प्रेत्योनी को प्राप्त नहीं हुआ है। वह इस जंगल के किनारे एक गांव के श्रीमंत धनवान का पुत्र है। महादुराचारी होने के कारण वह इस समय भयानक रोग से पीड़ित है। कल संध्या के पहले उसकी मौत होगी, फिर उसकी शादी मेरी कन्या से होगी। इसलिए रात भर गीत नृत्य और मद्यपान करके हम आनंदोत्सव मनाएंगे। महात्मा जी वहां से विदा होकर श्रीराम नाम का अजपाजाप करते हुए जंगल के किनारे के गांव में पहुंचे। उस समय सुबह हो चुकी थी। एक ग्रामीण से महात्मा ने पूछा, इस गांव में कोई श्रीमान का बेटा बीमार है? ग्रामीण बोले, हाँ, महाराज नवलशाह सेठ का बेटा सांकलचंद एक वर्ष से रोगग्रस्त है। बहुत उपचार किए पर उसका रोग ठीक नहीं होता। महात्मा जी नवलशाह सेठ के घर पहुंचे। सांकलचंद की हालत गंभीर थी, अंतिम घड़ियां थी। फिर भी महात्मा जी को देखकर माता पिता को आशा की किरण दिखी। उन्होंने महात्मा का स्वागत किया। सेठ पुत्र के पलंग के निकट आकर महात्मा जी राम नाम की माला जपने लगे। दोपहर होते होते लोगों का आना जाना बढ़ने लगा। महात्मा बोले, क्यों सांकलचंद, अब तो ठीक हो? सांकलचंद ने आंखें खोलते ही अपने सामने एक प्रतापी संत को देखा तो रो पड़ा। बोला, बाबा जी, आप मेरा अंत सुधारने के लिए पधारे हो। मैंने बहुत पाप किए हैं, भगवान के दरबार में क्या मुंह दिखाऊंगा? फिर भी आप जैसे संत के दर्शन हुए हैं, यह मेरे लिए शुभ संकेत है। इतना बोलते ही उसकी सांस फूलने लगी, वह खांसने लगा।
बेटा निराश न हो, भगवान राम पतित पावन है, तेरी यह अंतिम घड़ी है, अब काल से डरने का कोई कारण नहीं। खूब शांति से चित्तवृत्ति के तमाम वेग को रोककर श्री राम नाम के जप में मन को लगा दे, जाप में लग जा। शास्त्र कहते हैं, चरितम रघुनाथस्य शतकोटिम प्रविस्तरम एकैकम अक्षरम पुण्या महापातक नाशन, अर्थात 100 करोड़ शब्दों में भगवान राम के गुण गाए गए हैं। उसका एक एक अक्षर ब्रह्महत्या आदि महापापों का नाश करने में समर्थ है। दिन ढलते ही सांकलचंद की बीमारी बढ़ने लगी, वैद्य हकीम बुलाए गए, हीरा भस्म आदि कीमती औषधियां दी गईं, किंतु अंतिम समय आ गया। यह जानकर महात्मा जी ने थोड़ा नीचे झुककर उसके कान में राम नाम लेने की याद दिलाई। राम बोलते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए, लोगों ने रोना शुरू कर दिया। शमशान यात्रा की तैयारियां होने लगी। मौका पाकर महात्मा जी वहां से चल दिए। नदी तक पर आकर स्नान करके नामस्मरण करते हुए वहां से रवाना हुए। शाम ढल चुकी थी, फिर वे मध्यरात्रि के समय जंगल में उसी वटवृक्ष के पास पहुंचे। प्रेत समाज उपस्थित था। प्रेतराज सिंहासन पर हताश होकर बैठे थे। आज गीत नृत्य हास्य कुछ न था। चारों ओर करुण आक्रंद हो रहा था। सब प्रेत रो रहे थे। महात्मा ने पूछा, प्रेतराज, कल तो यहाँ आनंदोत्सव था, आज शोक समुद्र लहरा रहा है, क्या कुछ अहित हुआ है? प्रेतराज बोला, हा, इसीलिए रो रहे हैं, हमारा सत्यानाश हो गया। मेरी बेटी की आज शादी होने वाली थी, अब वह कुवारी रह जाएगी। महात्मा बोले, प्रेतराज, तुम्हारा जमाई तो आज मर गया है, फिर तुम्हारी बेटी कुवारी क्यों रही? प्रेतराज ने चिरकर कहा, तेरे पाप से मैं ही मूर्ख हूं कि मैंने कल तुझे सब बता दिया, तूने हमारा सत्यानाश कर दिया। महात्मा ने नम्र भाव से कहा, मैंने आपका अहित किया, यह मुझे समझ में नहीं आता, क्षमा करना, मुझे मेरी भूल बताओगे तो मैं दोबारा नहीं करूंगा। प्रेतराज ने जलते हृदय से कहा, यहां से जाकर तूने मरने वाले को नाम स्मरण का मार्ग बताया और अंत समय भी राम नाम कहलवाया, इससे उसका उद्धार हो गया और मेरी बेटी कुवारी रह गई। महात्मा जी बोले, क्या केवल एक बार नाम जप लेने से वह प्रेतियोनी से छूट गया? आप सच कहते हो। प्रेतराज बोला, हा, जो मनुष्य राम नाम जप करता है वह राम नाम जप के प्रताप से कभी हमारी योनि को प्राप्त नहीं होता। भगवान नाम जप में नरको धारिणी शक्ति है। प्रेत के द्वारा राम नाम का यह प्रताप सुनकर महात्मा जी प्रेमाश्रु बहाते हुए भाव समाधि में लीन हो गए। उनकी आंखें खुली तब वहां प्रेत समाज नहीं था। बाल सूर्य की सुनहरी किरणें वटवृक्ष को शोभायमान कर रही थी। दोस्तों, राम नाम जपने का क्या महत्व है, इसमें कितनी शक्ति है? राम नाम की महिमा का गुणगान जितना भी करें उतना ही कम है, क्योंकि राम नाम के दो अक्षर में ना जाने कितना बल है। राम नाम के सिमरन से धूलता मन का सब मल है। हनुमान जी के दिल में राम सीता विराजते हैं। हनुमान जी से बड़ा भक्त राम के कोई नहीं हुआ, लेकिन हनुमान जी से भी बड़ा भक्त भरत है। जब संजीवनी बूटी लेने के लिए हनुमान जी गए तो हनुमान जी ने आकर श्री राम से बोला, प्रभु, आपने मेरे को संजीवनी बूटी लाने के लिए नहीं भेजा था, आपने मेरा अभिमान तोड़ने के लिए मुझे भेजा था। जब मुझे भरत ने तीर मार कर गिराया था तो मैं गिरा था, पर पर्वत नहीं गिरा था, वो तो आपने संभाला हुआ था। हनुमान जी कहते हैं कि भरत को तो इतना भरोसा था आप पर, आपके नाम पर, यदि मन वचन और शरीर से श्री राम जी के चरण कमलों में मेरा निष्कपट प्रेम हो, यदि रघुनाथ जी मुझ पर प्रसन्न हो तो यह वानर थकावट और पीड़ा से रहित हो जाएगा। भरत जी ने तो आपके नाम पर भरोसा किया और वह तो राम राम कहकर उठ गया। अगर मेरे में इतनी भरोसा होता तो मैं संजीवनी लेने नहीं जाता। प्रभु, यह तो आपकी मेरा भ्रम तोड़ने के लिए लीला थी। इसी तरह हम लोग सोचते हैं कि गृहस्थी हमने संभाल रखी है, बुढ़ापे में बेटा सेवा करेगा या नहीं करेगा और उसकी चिंता करने लग जाती है। हमें उस राम के नाम पर भरोसा नहीं है। अगर यही राम के नाम पर भरोसा होगा तो बुढ़ापा भी अच्छे से पार होगा और राम का नाम भी जपते जपते इंसान परमधाम में जाएगा। राम नाम की महिमा जितनी बखान की जाए उतनी कम है, क्योंकि राम नाम को जपने से बन जाते सब बिगड़े काम। कहा जाता है कि राम का नाम राम से बड़ा है, जहां वह केवल भगवान राम की सेवा और पूजा से प्रसन्न होते हैं, वहीं राम का नाम लेकर हनुमान जी, भगवान राम और देवताओं के भगवान महादेव भी प्रसन्न होते हैं और उनकी मनोकामना पूरी करते हैं।
आइए जानते हैं राम नाम के कुछ ऐसे उपयोग जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देंगे। रोज सुबह सेवा पूजा के बाद तुलसी अथवा रुद्राक्ष की माला से 108 बार राम नाम का जप करें। इससे आपके ऊपर आने वाले कष्ट ऐसे खत्म हो जाएंगे जैसे सूर्य की धूप निकलते ही ओस की बूंदें उड़ जाती हैं। बजरंग बली खोल देंगे किस्मत के दरवाजे जब भी कोई बहुत बड़ी समस्या आ जाए और कोई उपाय न सुझाई दे। हनुमान जी की पूजा अर्चना करके वहीं आसन पर बैठ जाएं और राम नाम का जप करते रहें। अगर हर मंगलवार तथा शनिवार को इस प्रयोग को करेंगे तो जीवन में कभी भी कोई भी कष्ट आपको परेशान नहीं कर पाएगा। धन वर्षा के साथ प्रेम संबंध के भी योग बनेंगे। अगर आपको लगता है कि घर में किसी तरह की भूत प्रेत बाधा हो या कोई नकारात्मक शक्ति प्रवेश कर गई हो तो इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि गंगाजल को राम राम जपते हुए पूरे घर में छिड़क दें। सायंकाल पूजा के समय भी गोबर के उपले छाने पर लोहबान तथा गूगल की जलाकर पूरे घर में धूनी दें। इससे तुरंत ही आपकी हर समस्या दूर हो जाएगी। अगर आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो पाठ के आरंभ अथवा अंत में एक माला राम नाम के जप भी कर लें। इससे हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न होकर आपकी हर अभिलाषा पूरी करेंगे। ये भी सुने, इन मंत्रों के प्रयोग से दूर हो जाएगी आपकी हर समस्या। अगर घर के किसी व्यक्ति या बच्चे को नजर लग गई है तो एक इलायची पर 21 बार राम नाम जप कर फूंक मारे और उसे खिला दें। तुरंत असर दिखाई देगा। मंगलवार को 3 बार राम का नाम लेकर हनुमान जी के निमित्त बंदरों को गुड़ चने खिलाएं। इससे शनि, राहु, केतु तथा मंगल ग्रहों द्वारा दिए जा रहे सभी प्रकोप तुरंत ही शांत हो जाएंगे और आपके घर में सुख शांति का वास होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से ही हमें प्रेरणा मिलती है और हम मोटिवेट होते हैं। धन्यवाद।